कोटा जिले की रामगंज मंडी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार करीब रात 8 बजे माल गोदाम चौराहे पर एकत्रित होकर राजस्थान सरकार के बजट की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस पर नारेबाजी की और बजट की प्रतिलिपि जलाई। गौरतलब है कि बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्र 2021-22 का बजट पेश किया था, जिसमें रामगंज मंडी उपखंड के लिए किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई। उसी को लेकर आक्रोशित भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया। वहीं जिला महामंत्री नरेंद्र राजा ने कहा है कि राज्य सरकार का बजट निंदनीय है। सरकार ने अपनी पक्षपात भावनाओं को दिखाते हुए रामगंज मंडी क्षेत्र के किसानों के साथ खिलवाड़ किया है। प्रदेश की प्रमुख योजना ताकली सिंचाई परियोजना का बांध रामगंज मंडी क्षेत्र में होने के बाद परियोजना के बारे में भी किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की। लंबे समय से परियोजना का कार्य लंबित है। किसानों ने ताकली बांध के लिए अपनी जमीन दी, जिनका मुआवजा 21 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार के पास नहीं है और ना ही बजट में किसानों के हित के लिए कोई बात रखी। रामगंज मंडी को न चिकित्सा क्षेत्र में, न शिक्षा क्षेत्र में और यहाँ की एक महत्वपूर्ण योजना जो कि ताकली सिंचाई परियोजना बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे 40 गांवों को नहरों का पानी मिलना था। वहाँ के किसान 15 साल से लगभग ये पानी के लिए अपने आप में इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामगंज मंडी माल गोदाम चौराहे पर कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कल बजट पेश किया है, उसके विरोध में बजट की प्रतियां जला करके विरोध प्रकट किया है।